नमस्कार, मैं हूं तृप्ति। न भूले हैं न भूलने देंगे। आज हम बात करेंगे 27 फरवरी 2002 को गोधरा की साबरमती एक्सप्रेस के S6 में चले उन 58 लोगों की जिन्हें भुला दिया गया है। क्या S6 में जो लोग जले थे उन 58 लोगों में से आपको किसी एक का भी नाम याद है? नहीं होगा, क्योंकि पिछले 21 साल में इन 58 लोगों की कहानियां कभी लोगों के सामने आने ही नहीं दी गईं। हाल ही में BBC की एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसमें एक बार फिर गुजरात दंगों के पीड़ितों के नाम पर उन मुसलमानों के चेहरे पेश कर दिए गए जो पिछले 21 साल से एडवर्टाइजमेंट की तरह पेश किए जा रहे हैं। वही बिल्किस बानो, वही एहसान जाफरी। लेकिन जो लोग गोधरा में जले थे, जो साबरमती एक्सप्रेस में जले थे, जिनकी वजह से ये पूरे गुजरात दंगे भड़के थे, उनकी बात कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं करती, कोई भी NGO नहीं करता, कोई लिबरल सेक्युलर पत्रकार नहीं करता, कोई भी संस्था उनके नाम को लेकर आगे नहीं आती, कोई ये नहीं बताता कि वो आज किस हाल में है या उनके परिवारों पर क्या बीती जब उनके 58 लोग जिंदा जला दिए गए, जिनका दोष सिर्फ ये था कि वो अयोध्या से कार सेवा करके लौट रहे थे। आज हम आपको एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी से मिलवाएंगे जिसने ना सिर्फ अपनों को खोया था, जो ना सिर्फ गोधरा की उस S6 बोगी में मौजूद था, बल्कि उसने अपनी आंखों के सामने धू धू करके जलते हुए उन 58 हिंदुओं को देखा, मदद की कोशिश करी, और आज भी वो उस सुबह को याद करके सो नहीं पाता। आइए आपको मिलवाते हैं जनक पांचाल से और सुनते हैं कि क्या हुआ था 27 फरवरी 2002 को गोधरा में जब S6 बोगी में आग लगा दी गई थी। हमारे जीवन में कहीं भी ऐसी घटना नहीं बने। इस घटना में जो हमारे स्वजन है, हमारे मित्र है, ऐसे 21 लोग जो हमारे करीब थे, उसको गोधरा के जो कट्टरवादियों ने जिंदा जला दिया है। उसमें टोटल 58 लोग जल गए थे, वो गुजरात के अलग अलग भाग से थे, लेकिन जो 21 लोग थे वो CTM अमरेवाड़ी के, जो हमारे नज़ीक में हमारे साथ में कायम हमारे साथ रहते थे, उसको हमारे सामने हमने जिंदा जलता हुआ देखा है। ऐसी दुखद घटना किसी को भी ईश्वर नहीं दिखाए। उस रात जो हम आ रहे थे उसमें लड़का लड़किए और उम्र लायक भी लोग थे, वो लोग रात को ही वैसे हमने भजन कीर्तन किया था। उस टाइम ट्रेन यानि सुबह में 4 से 5 बजे तक आती थी, उस टाइम ट्रेन लेट आई थी, तो 6 बजे जब ट्रेन गोधरा स्टेशन पर आई, तो जब हमने जलपान के लिए लोग नीचे उतरे थे, तो सामने रेलवे स्टेशन के बाहर 1500 या 2000 के लोग इंसान इकट्ठे हुए थे। उसके बाद जलपान करके सब ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन आगे पहुंची, चेन पुलिंग भी हुई थी। उस टाइम जहां सिंगल फड़िया बोलते वो सिंगल फड़िया में ट्रेन खड़ी रही, तो चारों तरफ से ट्रेन को घेर दी गई थी, और उस समय हाथ में हथियार वाले लोग खड़े थे, और पत्थर मारा भी हो रहा था। उस पत्थर मारा और डर के माहौल में जो S6 के डब्बे में जो लोग थे, उसने डर के मारे यानि वो पत्थर नहीं आए, किसी को चोट नहीं लगे, उसकी वजह से ट्रेन का दरवाज़ा या बारी बंद कर दी थी। उस समय हम जो अंदर डर गए थे लोग कि क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं था, सब ये मालूम था कि लोग जुनूनी लोग हमको मारने के लिए आए, ऐसा डर का महसूस तो हो गया था। फिर हमारे जैसे जो लोग थे 10-15 लोग, उसने बोला कि भाई अंदर भी मरना है, बाहर भी मरना है, तो हमने दरवाज़ा खोलकर जब हम नीचे उतरे, तो पूरा जो जुनूनी लोग थे वो सब भाग गए, उसके पीछे हम गए, तो करीब उसके पीछे गए, वो चले गए, लेकिन वो हमारे ट्रेन के पीछे के भाग से वो ट्रेन को आग लगाई गई थी। जब हमने पीछे देखा तो ट्रेन को आग लग गई थी,
वो ट्रेन के नीचे भी ऐसे गद्दी गादला जैसे कुछ पड़े थे, उसमें भी पेट्रोल ऐसा कुछ डाला था, नीचे से भी आग लगाई थी, बारी के कांच तोड़े थे, उसमें से उस कांच में से भी कुछ डाल के अंदर से भी जल गई थी। जब हमने उस टाइम देखा तो आग कंट्रोल के बाहर लग गई थी। हम जब बचाने के लिए अंदर गए तो हमको रोका गया था। उस टाइम उस समय हमारे लोग भी थे, वो कोई जल गए थे, सब नीचे आए तो हॉस्पिटल में भी दाखिल हुआ था। उसी टाइम जो गोधरा नगर पालिका का फायर ब्रिगेड का स्टाफ था जो आने में वो उसकी बहुत दूरी हो गई थी, वो स्टाफ वालों ने बताया कि रास्ते में हमारे आने के लिए रास्ता रोका गया था, यानी जो रास्ता आता था उस टाइम आगे ट्रक खड़ी कर दी गई थी ऐसा था, और जो फायर ब्रिगेड वाले लोगों को भी पीटा गया था। उस टाइम जो हुआ था यानी ऐसा लगता था कि ये सब जनूनी लोगों ने, ये ऐसे जो हम जो राम सेवक थे जो अयोध्या जा रहे थे राम मंदिर के बनाने के लिए, वो राम मंदिर बनाने नहीं बनाने देने वाले लोगों का ये षड्यंत्र था। उसमें 58 लोग जो मारे गए, उस 58 लोगों में से एक चिराग पटेल है, शैलेश भाई पटेल है, शैलेश भाई पंचाल, पसी सदाशिव राव जाधव और जवेर भाई प्रजापति, मित्तल बेन प्रजापति और गायत्री पंचाल परिवार के चार लोगों को, यानी दो बहनें और उसके माता पिता, चारों इंसान भी उसमें जल गए। उस टाइम जो उसके बाद ट्रेन का माहौल हो गया, फिर यहाँ ट्रेन को स्टेशन पे सिंगल फड़िया से स्टेशन पे लाया गया। उस टाइम में जो आग जो लाशों का था, लाशें निकाली गई, वो लाशों को ऐसे जैसे आसपास वाले लोगों ने चद्दर है ऐसे कफन जैसे, जान पहचान तो नहीं हो सकती थी, तो उस टाइम स्त्री है या पुरुष है ऐसी जान पहचान थी। जो हमारा भाई मेरा भाई शैलेश पंचाल था, उसकी लाश मैंने उसमें एक जो लॉकेट पहना था साईं बाबा का, वो साईं बाबा के लॉकेट के ना से उसको पहचाना गया था। उसके बाजू में एक मित्तल प्रजापति नाम की लड़की थी, उसने जींस का शर्ट पहना था, वो जींस का शर्ट का एक भाग का जो बाएं रहती है वही जींस का टुकड़े के हिसाब से मित्तल प्रजापति को पहचाना गया था। और उसके बाद जवेर भाई प्रजापति को भी उसके जेब में से पॉकेट मिला था, उसकी आइडेंटिटी से उसको पहचाना गया था। उसके साथ में हमारे साथ जो हम आ रहे थे ट्रेन में, उसमें जो तीन चार लोग ऐसे प्रवासी लोग भी थे, उसमें से एक औरत थी जिस औरत के दो बच्चे थे, जिस औरत को लाश की हमने आइडेंटिटी की है, नाम तो हमको पता नहीं था, लेकिन उस औरत के दोनों बच्चे में एक आठ साल की लड़की थी और एक लड़का था, दोनों ऐसे चिपटे हुए अपने हाथ से चिपटे हुए थे। और वो औरत उसको वो प्रेगनेंसी थी, उसके ऊपर से उसका पेट जल रहा था, उसके पेट के अंदर जो बच्चा दिख रहा था उसका सर स्पष्ट दिखाई रहा था। ऐसी घटना हमारे दिल से तो निकलती नहीं है, जो हमारे मगज में बैठ गई है। कभी कभी रात को जो हमने साथ में जो उसके साथ अच्छे दिन बिताए थे, वो अपने 85 लोगों के साथ जो मौज मस्ती आनंद किया था, भगवान का राम धुन किया था, ये सब बातें अभी भी हमारे दिमाग में बैठी रहती है। अभी भी हमारे साथ आज 21 साल हो गए, कभी कभी ऐसा समय आता है, पूर्णिमा आती है, ऐसे आती है, तो उस समय पे हमें जब उसके साथ लगता है सब लोग हमारे साथ बैठे हैं और हम आनंद कर रहे हैं, हमारे दिमाग में से ये बिल्कुल निकलता नहीं है। जो 58 कार सेवक थे वो सबको मैं पहचानता था, वो सबके सब जैसे लगता है कि वो हमें छोड़ के नहीं गए, जैसे ऐसे लगता है कि वो हमारे आसपास ही घूम रहे हैं। वो जो हमने लाशें का जो पार्सल किया यानी कफन में डाला, झोली बना के 58 लाशों को हमने ट्रक में पहचाना, आइडेंटिटी के लिए एक लाश को पुलिस के साथ में रह के हमने तीन बार पलटा है कि क्या देखने के लिए स्त्री है पुरुष है, उसमें कुछ मिलता है नहीं मिलता है, तो उससे मेंटली ऐसा इफेक्ट हो गया कि इंसान
और जो कादव यानी जड़ या लकड़ा में हमें कोई फर्क नहीं लगता था। हम जब इंसान को देखता था तो हमको बिल्कुल वो निर्जीवी दिखता था। कुर्बानियाँ गई, वो कुर्बानी को जो उसका फल मिला है हमें कि ये 58 राम सेवकों के जो एक जैसे कि राम मंदिर का जो स्तंभ रहता है, तो हम ये सोचेंगे कि एक स्तंभ पे एक हमारे बलिदान का एक स्तंभ है। जैसे 58 से और भी अनेक बलिदान हुए, उसमें हम देखते हैं कि राम मंदिर के अंदर एक ईंट के पीछे एक जीव का आत्मा है और राम मंदिर जीवंत रहेगा। आपको बता देते कि इस केस में अभी क्या हो रहा है गोधरा कांड के बारे में। खास तौर से पिछले साल 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के एक मुख्य आरोपी फारूक को यह कहते हुए जमानत दे दी कि वो पिछले 17 साल से जेल में है। वहीं गुजरात हाई कोर्ट ने गोधरा कांड के 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, जबकि 20 और जो थे उन्हें भी उम्र कैद हुई है। अब गुजरात हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि इन 11 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा जाए। मामला अभी भी चल रहा है। आपको याद होगा कि बिल्किस बानो के केस में जो दोषी थे, जब उन्हें जेल से छोड़ा गया था तो पूरे देश में हल्ला मचा दिया गया था। बिल्किस बानो को लेकर हर कोई ये कह रहा था कि क्या इन लोगों को जेल से बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन जब गोधरा कांड के 11 दोषियों की सजा को फांसी से बदलकर उम्र कैद कर दिया गया, तब आपको कहीं पे भी एक भी तथाकथित लिबरल पत्रकार या सेक्युलर या किसी संस्था की आवाज सुनाई दी? देश में कहीं कोई भी आंदोलन हुआ या किसी ने आवाज मुखर की? कहीं से कोई आवाज नहीं आई। ये एक फैसला आया और चला गया। अभी भी अदालत में लड़ाई जारी है। दरअसल है क्या है कि 58 जो हिंदू जले थे ना, उनका कोई नाम नहीं है, वो सिर्फ एक आंकड़ा बन के रह गए हैं। और जिस तरह से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार आज प्रोपोगंडा बनाकर खारिज किया जा रहा है, हालात तो यही लग रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक दिन गोधरा के इन हिंदुओं को भी प्रोपोगंडा बताकर खारिज कर दिया जाएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।